आज की कहानी एक ऐसे शख्सियत की जिन्होंने अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया था बाइसाइकिल का पार्ट्स बनाने से, एंड आज आपके मोबाइल में इनका सिम कार्ड है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतीय एयरटेल ग्रुप के फाउंडर सुनील मित्तल की। वीडियो होने वाला बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही मोटिवेशनल, तो जो भी कर रहे हैं उसको साइड में रख के वीडियो को फुल अटेंशन के साथ लास्ट तक जरूर से जरूर देखिए। अर्ली लाइफ की अगर बात करें, इनके फादर जो थे वो पॉलिटिशियन थे। इन्होंने पहला जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया था वो शुरू किया था मैन्युफैक्चर करने का बाइसाइकिल का एक पार्ट का, एंड पंजाब से थे एंड लुधियाना में उस साइकिल वगैरह का बहुत कारोबार होता है अगर आपको पता हो तो बेसिकली लुधियाना में ही इन्होंने ये पूरा अपना प्लांट लगाया था। इन बिजनेस को कुछ दिन रन करने के बाद मित्तल सर को लगा कि ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिससे ये बहुत बड़ा अपने आप को बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो इन्होंने अपने लुधियाना का प्लांट पूरा फेल करके 1981 में बड़े सपने लेकर एक बड़े शहर की ओर मुंबई शिफ्ट हो गए। बॉम्बे आने के बाद इन्होंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लिया एंड पोर्टेबल इलेक्ट्रिक जनरेटर इम्पोर्ट करने लगे। ये बात है 1981 की, उस टाइम ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी आइडिया था, एंड ये जो पोर्टेबल इलेक्ट्रिक जनरेटर है इन्होंने इसका बहुत ही तेजी से मार्केट पकड़ लिया। लेकिन सुनील मित्तल सर अपने पूरे लाइफ में चैलेंज हर एक फेज में इन्होंने सामना किया है। बात है 1983 की, उस टाइम गवर्नमेंट ने बैन कर दिया इम्पोर्ट करना इलेक्ट्रिक जनरेटर, एंड ये ओवरनाइट इनका बिजनेस पूरा शट डाउन हो गया क्योंकि ये पूरी इम्पोर्ट करने पर ही डिपेंडेंट थे अपने बिजनेस के लिए। वहाँ से इनकी लाइफ ने टर्न लिया एंड मित्तल सर ने देखा फ्यूचर। उस टाइम इंडिया में ऐसे डायल करने वाले फ़ोन होते थे, तो इन्होंने सोचा कि अगर पुश बटन फ़ोन अगर लेके आते हैं तो लोगों को यूज करने में आसानी होगा, एंड ये प्रोडक्ट्स पहले से ताइवान में बन रहे थे, तो इन्होंने एक ताइवान की कंपनी के साथ टाई अप करके इंडिया में ये फ़ोन इम्पोर्ट करने लगे। बाद में जाके इन्होंने उस फोन का मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट किया, एंड फिर फैक्स मशीन बनाने लगे, एंड फिर वायरलेस फोन जो आपका कोडलेस फोन होता है उसका ही मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट इन्होंने स्टार्ट किया। इनके प्रोडक्ट कमाल के थे, मार्केटिंग बहुत कमाल की थी, तो इनका बिजनेस तुरंत जो है बहुत तेजी से एक्सपैंड हुआ। अब जमाना आया वायरलेस टेक्नोलॉजी का, मोबाइल फ़ोन का। 1992 में अपने कंट्री में स्पेक्ट्रम की नीलामी होने वाली थी। उस टाइम जब स्पेक्ट्रम की नीलामी होने वाली थी तब सुनील मित्तल सर ने सोचा कि अगर मुझे स्पेक्ट्रम मिल जाता है एंड अगर मैं मोबाइल ऑपरेटर बन जाता हूँ तो बिजनेस यहाँ से मैं बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर सकता हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया था ना, मित्तल सर ने पूरी लाइफ में अपना चैलेंज को फेस किया है। गवर्नमेंट ने वहाँ रखा था एक शर्त कि उसी कंपनी को लाइसेंस देंगे जिनको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो टेलीकॉम में काम करने का, एंड मित्तल सर की कंपनी को इतना एक्सपीरियंस नहीं था टेलीकॉम सेक्टर में काम करने का। इन्होंने एक फ्रेंच की कंपनी के साथ टाई अप करके टेलीकॉम ऑपरेटर बनने का लाइसेंस गवर्नमेंट से एक्वायर किया। टेलीकॉम में इनकी एंट्री होते के साथ बिजनेस का ओवरनाइट बहुत ही तेजी से ग्रोथ होने लगा। आपको अगर याद होगा पहले कितने ज़्यादा रेट्स लगते थे कॉल वगैरह करने के लिए, अगर ये पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनराइज फर्स्ट टाइम करने का किसी को क्रेडिट जाता है तो वो सुनील मित्तल सर को ही जाता है। उन्होंने वन इंडिया प्लान के तहत आपको जो STD कॉल्स होते हैं उनके रेट्स को बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया। तो अगर बात करें सुनील मित्तल सर की फैमिली के, तो इनके बेटे भी एंटरप्रेन्योर हैं। आपने हाइक मैसेंजर जरूर यूज किया होगा, ये इनके बेटे की ही कंपनी की है। इंडिया के बाहर भी टेलीकॉम सेक्टर में अगर कोई तहलका मचाने वाला इंसान है तो वो है सुनील मित्तल सर। इन्होंने रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ अफ्रीका और इसके अलावा बहुत सारी और कंट्री में भी इनके टेलीकॉम बिजनेस के ऑपरेशंस चलते हैं। सुनील मित्तल सर एक टाइम में इंडिया के 6th richest पर्सन भी थे। इनको पद्म विभूषण का अवार्ड भी मिला है। तो अगर बात करें डोनेशन एंड फिलैंथ्रोपी की, तो ये अच्छा खासा जो है कि डोनेशन वगैरह भी करते हैं, एंड इनका एक फाउंडेशन चलता है जिसके अंदर अनप्रिविलेज्ड किड्स की पढ़ाई के लिए ये अच्छा काम करते हैं, एंड इनका जो ये फाउंडेशन है इनके अंदर 45,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स, जो ऐसे स्टूडेंट्स जो अच्छा पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इनकी पूरी पढ़ाई का जिम्मा भारती मित्तल सर के फाउंडेशन ने ले रखा है। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा है जो सुनील मित्तल सर का या फिर एयरटेल का सिम चलाता हो तो ये वीडियो उन तक जरूर से जरूर पहुंचाइएगा। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आपको यहाँ से जाना है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए।